डोंट बाय टेक्नो कैमोन 19 प्रो। अगर ये स्मार्टफोन आप बाय करते हैं तो आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्मार्टफोन में हमें इंतहाई सस्ती स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलती है, लेकिन अगर इसकी प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 52,000 रुपीज़ इसकी प्राइस रखी गई है। इसका जो मॉडर्न एडिशन है जिसमें कलर चेंजिंग हमें बैक देखने को मिलती है, और इसका जो सिंपल एडिशन है यहाँ पे उसकी प्राइस हमें यहाँ पे 50,000 रुपीज़ देखने को मिल जाती है। लेकिन ये जो स्मार्टफोन है इंतहाई ओवर प्राइज्ड है, और इसी वीडियो में मैं आपको एक ऐसा स्मार्टफोन बताने वाला हूँ जो कि इससे बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपको इसी प्राइस में देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए भी वीडियो को देखते रहिएगा। और अगर इस वीडियो को देखने से पहले आपने टेक्नो कैमोन 19 प्रो के कहीं और रिव्यू देखे हैं किसी और यूट्यूब चैनल पर, तो आपको यहाँ पर इसकी काफ़ी तारीफ़ें देखने को मिली होंगी, जिसमें बताया गया होगा कि इसके जो है वो कैमरा बहुत अच्छा है, इसके डिस्प्ले के जो बेजल बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर यही जो स्मार्टफोन है इसकी यही वीकनेसेस हैं। इसमें यहाँ पे हमें ना ही डिस्प्ले अच्छी प्रोवाइड की जा रही है, ना ही कैमरा अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें डाउनग्रेड कर दी गई हैं। अब यहाँ पे 50,000 में हमें एक IPS डिस्प्ले प्रोवाइड की जा रही है जो कि 120 हर्ट्ज की है, जिसकी ना ही कोई ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर यह भी एक चीज़ आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ यहाँ पर जो है वो इस स्मार्टफोन में हमें जो इसका चिपसेट देखने को मिलता है वो हीलियो G96 है, जो कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करता इस प्राइस के हिसाब से, एक नॉर्मल सी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। और इसके अगर कैमराज की बात करें जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जा रही है, तो इसका जो कैमरा है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग किस तरह की हमें देखने को मिलती है, इसकी जो कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग करता है उसमें हमें 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती ही नहीं है। अगर आप अपने स्मार्टफोन से थोड़ी सी भी अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मस्ट होती है। 1080p से आप अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तो थोड़ी सी भी अच्छी क्वालिटी चाहिए होती है तो 4K उसके लिए लाजमी होता है। बट स्मार्टफोन का कैमरा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट ही नहीं करता, हालांकि ये जो है आपको 30-35,000 वाले फोन्स में भी ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इसकी स्मार्टफोन की वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ इस तरह की देखने को मिलती है, और इसी प्राइस में हमें टेक्नो का एक स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है जो कि टेक्नो कैमोन 18 प्रीमियर। अब ये जो स्मार्टफोन है इसमें हमें जो है काफ़ी बेहतरीन चीज़ें देखने को मिलती है, हालांकि सेम प्राइस में हमें देखने को मिलता है, और आपको यही स्मार्टफोन बाय करना चाहिए। इसकी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा नीचे फर्स्ट कमेंट में, अगर आप बाय करना चाहते हैं टेक्नो कैमोन 18 प्रीमियर तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अब ये जो स्मार्टफोन है सेम प्राइस में टेक्नो का पहले का मॉडल, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इसमें हमें एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है 120 हर्ट्ज़ की। इसी के साथ इस स्मार्टफोन में हमें 8GB रैम के साथ 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, हालांकि यहाँ पे अगर 19 प्रो की बात करें तो यहाँ पे हमें 8GB रैम के साथ 128GB की स्टोरेज देखने को मिलती है। और कैमरा की भी बात करूँ तो कैमन 18 प्रीमियर में यहाँ पे हमें जो है वो 64 मेगापिक्सल प्लस जो है वो 8 मेगापिक्सल का जो पेरीस्कोप टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे 5x के हमें ऑप्टिकल जूम देखने को मिलता है, साथ में 60x तक यहाँ पे हमें डिजिटल जूम भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमें इसमें जो है वो 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें हमें OIS गिम्बल स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल कैमराज भी बेहतर हैं और यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले भी है, तो आई थिंक हमें जो है वो टेक्नो कैमोन 18 प्रीमियर की तरफ जाना चाहिए। बाकी यहाँ पे आपके क्या ओपिनियन है स्मार्टफोन को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं अगर मुझसे ओपिनियन लें तो यहाँ पे टेक्नो कैमोन 19 प्रो जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है और बिल्कुल भी आपको बाय नहीं करना चाहिए। अगर आप टेक्नो का ही फोन बाय करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है जो कि मैंने आपको बता दिया है, उसकी बाय लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा और भी दूसरी ब्रांड्स के भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं, तो आप उनकी तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्योंकि टेक्नो ने काफ़ी अच्छी कंपेन जो है यहाँ पर मार्केटिंग कंपेन की है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूब पर आपको वीडियोज़ देखने को मिलेंगी जिसमें जो है वो टेक्नो कैमोन 19 प्रो का जो है कैमरा और इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी बताई जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो हमें कुछ इस तरह के स्पेक्स देखने को मिलते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।